की शान। लास्ट क्लास में हम ये चैप्टर पढ़ चुके हैं और इसके कठिन शब्द और शब्द के वर्ष के हम आज के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, देखिए मॉक टेस्ट करते हैं। पहले मॉक टेस्ट में नंबर वन, शेर को वनराज क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं शेर को वनराज? क्योंकि वह जंगल का राजा होता है। तो हम यहाँ पर, मैं यहाँ पर खाली आंसर लिखूंगी। अच्छा, उत्तर का शेर को आप इसका खाली मौका आंसर लिखिए, क्योंकि उत्तर नंबर खा। खा क्वेश्चन है, शेर किस प्रजाति का पशु होता है? किस प्रजाति का होता है? वो बिल्ली की जाति का होता है। तो हम क्या लिखेंगे? शेर बिल्ली की जाति का पशु होता है। बिल्ली की जाति का पशु नंबर का। बड़े होने पर शावक में क्या परिवर्तन होता है? शावक में क्या परिवर्तन होता है? कि उनके शरीर पर बनी जो धारियां होती हैं वो अपने आप खत्म हो जाती हैं। बड़े होने पर शावक के शरीर पर बनी धारियां खत्म हो जाती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर घा है, अयाल किसे कहते हैं? अयाल किसे कहते हैं? जो शेर के गर्दन पर बाल होते हैं लंबे लंबे, उसको अयाल कहते हैं। तो सिंह की गर्दन पर, गर्दन के बालों को वो अयाल कहते हैं। उजाले में सिंह की उपस्थिति की सूचना कौन देता है? तो कौन देता है उजाले में सिंह की सूचना? चिड़िया देती है ना, चिड़िया पेड़ों पर से देख लेती कि शेर आ रहा है, तो वो शोर मचाकर सभी जानवरों को सूचना दे देती है। इसलिए उजाले में सिंह के आने की सूचना चिड़िया शोर मचाकर देती हैं। शोर मचाकर देती हैं। ठीक है, तो आप ये सारे पांचों मॉक प्रश्न के आंसर हो गए। इसमें आप में से पहले प्रश्न उतारेंगे कॉपी में, उसके बाद आंसर नंबर वाइज लिखेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों को भरिए।
शेर और शेरनी दोनों मिलकर पढ़ते हैं ना, इसमें भी नहीं आ जाएगा।
से मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगी।